Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the cue card and the topic is describe an introvert person. And the questions are who the person is, how well do you know him or her, what makes him or her introverted, and explain how you feel about this person. Personality बहुत टाइप की होती है. कुछ लोगों के होते हैं कि आसानी से अपनी जो फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, अपने आइडियाज हैं दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, दूसरे लोगों के सामने बोल लेते हैं. बट दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं शाई पर्सनल, बहुत ही शर्मीले होते हैं. उनको बहुत सारी दिक्कत आती है अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने से. पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, कैसे बिहेव करते हैं. यूनिक होती है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करती है. टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन इंट्रोवर्टेड पर्सन हु इज वन ऑफ माई फ्रेंड. तो यहाँ पे उसका नेम एंड आप उसको किस तरीके से और कितना अच्छे से जानते हैं उसके बारे में बोलना है. हर नेम इज संदीप. शी वॉज नॉट ओनली माई क्लासमेट, जैसे मैंने ग्रेजुएशन या कोई स्टडी कम्प्लीट की है उसमें मेरी क्लासमेट ही नहीं थी बल्कि बट इज लिविंग नेक्स्ट टू माई होम, यानी कि मेरी पड़ोसी भी है. आई नो हर वेरी वेल बिकॉज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टूगेदर. शी ऑलवेज गॉट गुड स्कोर्स इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, में बहुत अच्छे स्कोर आते थे बट जो प्रैक्टिकल होते थे या कोई प्रेजेंटेशन होती थी वहां पे वो सिर्फ पासिंग मार्क्स आते थे क्योंकि उसका बिहेवियर ही वैसा था. वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपने आप को. इट इज बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, कंफर्टेबल नहीं होती थी बोलने में, तो उनके जो पासिंग मार्क्स थी वहां पे वो ले पाती थी. हाउएवर हर आइडिया वर्क उसकी, हालांकि उसके आइडिया बहुत अच्छे होते थे बट दूसरी तरफ की टीचर को इम्प्रेस नहीं कर पाती थी. पब्लिक स्पीकिंग की जो पावर थी वो उसमें कम थी. वट मेक्स हिम और हर इंट्रोवर्ट, तो होता है कि बाय नेचर बाय बर्थ वो ऐसा बिहेवियर होता है. कुछ लोग किसी कारण की वजह से ऐसे बने होते हैं. नो वन मेड हर इंट्रोवर्ट, शी इट इज हर पर्सनैलिटी. शी ट्राइड मेनी टाइम्स टू इम्प्रूव हर सेल्फ बट फेल्ड एवरी टाइम. Being a good friend of hers, I always motivate her to speak in public and explain how you feel about this person. Obviously, अगर मेरा friend है तो उसके बारे में बुरा feel होगा क्योंकि हम हर एक time पे वो embarrassed feel होता है लोगों के सामने बोलने में, उनका जो confidence level है वो भी low होता है. Human is a social animal, so we need to express our feeling and emotions. हमें करनी ही पड़ती है, हमारे फीलिंग और इमोशंस को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारे वैल्यूज हमारी जो वैल्यूज को नहीं समझ पाएगा. आई एम ट्राइंग टू चेंज माई फ्रेंड्स बिहेवियर. आई एम हैप्पी व्हेन आई सी शी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. उस टाइम पे खुशी होती है जब वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है किसी दूसरे के सामने, कि अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया अबाउट एक्यू कार्ड. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.